नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डीके सिनेमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के बारे में हम बात करने वाले हैं IBMS 4200 एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे सेटअप करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना होगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च मारना होगा IBMS 4200। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो सबसे पहला जो साइट आएगा उस पर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट नीचे स्क्रॉल करके नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे IBMS 4200 एक दिख रहा है वर्जन 3। ठीक है, ये वर्जन 3 जो है अपडेटेड है, इसी पे आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैक पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है IBMS 4200 मैक के लिए। ठीक है, अभी हम मैं चलता हूँ IBMS 4200 वर्जन 3 इंस्टॉल करता हूँ। ये वर्जन 1 है, वर्जन 1 को नहीं इंस्टॉल करना, वर्जन 3 को इंस्टॉल करना है। ठीक है, वर्जन 3 पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एग्रीमेंट के लिए आएगा, एग्री करने के लिए आप एग्री कर दीजिए। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको कुछ देर वेट करना है डाउनलोड के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, तो आपको जस्ट इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये रन हो जाएगा और यहाँ पे एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद एक अलग से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने लगेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो इसको चलिए हम सेटअप कर लेते हैं। सेटअप कैसे करना है, तो यहाँ पे इनेबल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम चूज करना है, कोई भी यूज़र नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं एडमिन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो एक मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लिया है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है और ऐसा पासवर्ड बनाना है जो आपको याद रहे। ठीक है, या फिर आपको नहीं याद रहता तो ऑटो लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। आपको जैसे ही आपको सुटेबल लगे वैसे कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑटो ऑटो लॉगिन पे कर देंगे तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे आपको पासवर्ड नहीं मांगेगा और लॉगिन हो जाया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ऑटो लॉगिन पे क्लिक करके। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये रिकवरी के टाइम काम आता है। जब भी आप पासवर्ड भूल जाते हैं पासवर्ड रिकवरी करने के काम आता है। तो आप यहाँ बना सकते हैं इसको, जो आपको सही लगता है वो बना दीजिए। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि इसका इंटरफेस प्रॉपर खुल गया है IBMS 4200 का। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपको दिख जाएगा प्रॉपर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसका इंटरफेस ऐसे दिखता है। तो आपको जब कोई भी कैमरे लाइव देख रहे हैं तो आपको लाइव व्यू पे क्लिक करना है। लाइव व्यू पे क्लिक करेंगे तो कैमरे ये सारे यहाँ पे लाइव दिखेंगे। ठीक है, बट अभी मैंने कैमरे कोई ऐड नहीं किया तो आपको लाइव दिखेगा नहीं। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप जाके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लेबैक भी दिखेगा, जहाँ से आप प्लेबैक देख सकते हैं। कोई भी प्लेबैक, जैसे वीडियो कोई भी रिकॉर्ड हो चुकी है उसके बाद आपको प्लेबैक देखना है तो आप प्लेबैक देख सकते हैं। अगर आपको क्लाउडली एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़े नॉट लॉग पे। नॉट लॉग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री क्लिक करें, जो भी आपकी कंट्री है वो कंट्री सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा और ओके क्लिक करूँगा। तो कर देना यस। जैसे यस करेंगे आपसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम पासवर्ड जो आपको देना है, जो ही कनेक्ट पे आपको रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, तो इस पे रजिस्टर्ड करना कैसे है आपको, वो मैं आप इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। उसको यहीं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसकी प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं कि आपको ही कनेक्ट पे आप अपने कैमरे को कैसे लाना है, आपको पब्लिकली एक्सेस करना है। तो अगर आप उसी नेटवर्क में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप डिवाइस मैनेजर पर जाके ऐड करके लॉग इन करके देख सकते हैं। अगर आप पब्लिकली हैं, जैसे आप ऐड कर लिए हैं घर का एक्सेस करके दूसरी जगह से देखना चाहते हैं, किसी और लोकेशन से देखना चाहते हैं, तो आपको ही कनेक्ट पे ऐड करना पड़ेगा। तो उसी को ऐड करना मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि कैसे आपको प्रॉपर बनाना है यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे ऐड करना है। तो जैसे ही वहाँ पे पासवर्ड आईडी बना लेंगे, यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है, आपके सारे कैमरे लाइव हो जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं लोकल पे दिखा रहा हूँ आपको कि लोकल पे ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे जाना है,
डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। आप सेम नेटवर्क पे हैं तो आप ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिए, अदर नेटवर्क पे, अगर नेटवर्क पे नहीं है तो आप ऐड पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आईपी देंगे आप, आईपी देने के बाद यहाँ सॉरी यहाँ पे नाम देना है आपको, उसके बाद आईपी देना है। एनवीआर का आईपी देंगे तो आपको सारे कैमरे एक साथ आ जाएंगे, अगर आप कैमरे की आईपी देंगे तो आपका एक पर्टिकुलर जो कैमरा होगा वो ऑनलाइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, कैमरे का जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक ऐसे ही सर्च करके दिखाता हूँ कि कितने मेरे नेटवर्क में ऑनलाइन डिवाइसेस हैं, ठीक है। यहाँ क्लाउड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको, क्लाउड पे जाके ऐड कर सकते हैं, फिलहाल मैं लोकल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी जो जो कैमरे आपके लॉगिन होंगे, जो भी कैमरे आपके नेटवर्क में होंगे। जैसे ऑनलाइन डिवाइस पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने दो कैमरे दिखने लगे, ठीक है। ये दो कैमरे मेरे नेटवर्क में है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, जो भी नाम डालना चाहते हैं, अपने घर का नाम या कुछ भी, तो नाम डाल के यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आपको ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया होम, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डाल नाम और पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डिवाइस ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।